बसमिल दोस्तों असल मैं अमीर करता हूँ आप सब खरीद से, से होंगे आज आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सब के लिए जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कैनेडा के अंदर है तो मैं ये टॉपिक पे जान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट की थी और उसके अंदर मैंने स्कैमर का फेसबुक लिंक और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया था आप लोगों को प्लीज़ उसको आप ब्ला करें उस पर उससे कॉन्टैक्ट न करें और भी कोई अगर ऐसे फेक पेजेस हैं तो उनको ब्लॉक करें क्योंकि नायल का एक ही जनवन पेज है जो हमने वीडियो में दिखाया भी है आप इस टाइम स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे 2014 का जो बना पेज वो हमारा जैन पेज है और हमारा कोई ऑफिस ऑफिस नहीं है ना इस्लामाबाद के अलावा इनशा हम अगर बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे थमनेल में आपने पढ़ लिया होगा और मेरी वीडियो आपने तहमुल बर्दाश्त और समझ से सुननी है आपने क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन खैर बहुत मिली है कि जी मेरी वीडियो दिखाकर कुछ कुछ लोग जो ऑफिस भी नहीं है कुछ भी नहीं है मेरी वीडियो दिखाकर फ्रॉड कर रहे हैं देखिए ये फ्लांब बंदे ने समीर नहीं यूट्यूबर्स ने तो वीडियो लगाई है जी मैं अप्लाई करवाता हूँ भाई टोपी डम है वो कुछ भी नहीं कर सकता या जब मेरी रिक्वेस्ट होगी वीडियो आपने सुननी है समझनी है इसमें है क्या और कौन कर सकता अप्लाई नंबर वन जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलापा का बड़ा कारण है पिछले दोनों से विजय लग रहे हैं कैने अपनी पॉलिसी में काफी रिलैक्सेशन दी है और जिसका वीज़ा लगा वो तो डोल बजाता है जी मेरा वीजा लग गया लग गया जिसका रिजेक्ट होता है वो तो वो अगेन वो तरह तरह के ब्लेम जो मतलब ना समझ है वो तरह तरह के ब्लेम डालता है जी मेरा रिजेक्ट हो गया जो बैन होता है वो भी जरा डिसपॉइंट होता है बट समझाने की जरूरत हमें है और उसको भी समझने की ज़रूरत है कि जिसने अप्लाई करवाया उसका राइट है कि वो आपको क्लरिफिकेशन दे इसी तरह जिन लोगों के वीजाज लगे हैं कैनेडा घूमने कोई भी नहीं जा रहा डेफिनेटली वो कोई घूमने वाला खास ना मुल्क नहीं है वहां पर लोग सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं हमेशा कहता हूँ दुनिया के अंदर पहला वाई स्टेट है जो अपना विस्टर वीजा टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट करवाता है वर्क परमिट के अंदर जो लीड करते हैं पी के लिए इसलिए जो भी आता है वो एक ही बात करता है कि सर मैंने मिल के जाना है कैंडन इमिग्रेशन ने एक नया नई न्यूज दी है जो सबसे जबरदस्त न्यूज है उन लोगों के लिए जो कहने मौजूद है और जो कहने का प्लान कर रहे हैं अभी पहले जो लोग जाते थे विस्टर वीजा वो अपना कन, वीजा कन्वर्ट करवाने के लिए उनको डिफरेंट लोगों से परचेज करना पड़ता था एक बात मैं क्लियर करता चलू यहाँ पे जो वर्क परमिट है उसके डिफरेंट कैटेगरीज है हर जो ऑकुपेशन है वो उसके लिए की जरूरत नहीं है प्लीज ये एक बात माइंड में रखें हर बंदा कहता सर लिबिया अप्रूव पहले आपको ए बी सी डी करें आप लिमिया हाईली स्किल्ड जो ऑकुपेशन है उसमें लीमिया अप्रूव्ड वर्क परमिट दरकार है जरूरत है उसके अंदर नॉन स्किल्ड के लिए लीमिया अप्रूव्ड वर्क परमिट की जरूरत नहीं है तो ये पहले डिफरेंट आप कर लें कौन से ऑकुपेशन लीमिया अप्रूव्ड है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसके अंदर इसके अंदर आ, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा आपको कि ये कौन कौन से इसमें लीमिया अप्रूव्ड है कॉन्ट्रेक्टर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं टेली कम्युनिकेशन ऑकुपेशन हैं कारपेंटर्स uh, है सुपरवाइजर्स है लॉगिंग मशीनरी है एक एक लंबी लिस्ट मेरे पास प्लम्बर्स है गैस फिटर्स है जी रेलवे कैमरा वोमेन है क्रेन ऑपरेटर्स है, है तो एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पे आप इसको देखिएगा कि करंटली इनको लिमिया की जरूरत है और कैनेडा के अंदर आप लिमिया परचेज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ वही वर्क परमिट देगा आपको जो आपका भल, जो आपका बहुत करीबी दोस्त है और जो कहते हैं फिर सब काम करना चाहता है वही फ्री में देगा अदरवाइज कैनेडा में तो लॉयर को मिलने के भी डेढ़ डॉलर है तो इस समय कैनिंग गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो लोग वहां पे आ चुके हैं और अपना लेना चाहते हैं पहले जो टाइम फ्रेम था वो थ्री टू तो फोर मंथ था रिसेंटली जिनकी जो हमारे नायल कंसल्टेंट के थ्रू जो वीजा अप्रूव हुए और कुछ लोग गए जो कहते हैं सौ से ज्यादा लोग अप्रूव हुए गए सब गए नहीं अभी तक अब बंदा अपना वाइंड अप कर रहा है जो भी कर रहा है जो लोग गए वहां पे जाकर जिन्होंने सेटलमेंट की जो ली, लीमिया लिया कुछ लोगों का महीना लगा डेढ़ लगा अब कैडियन इमिग्रेशन ने कहा कि अब आपके जो लीमिया लेने के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है वो टेन वर्किंग डेज है जी बिल्कुल ये खबर मैंने खुद से नहीं बनाई ये कैनेडियन इमिग्रेशन ने बोला है कि सम फॉरेन वर्कर्स इन कैन हैव देयर लीमिया प्रोसेस्ड इन टेन बिजनेस डेज हमारा एक क्लाइंट आ, गया है जहूर उसका नाम है जी नाम भी याद आप जहूर उसका नाम है उसने बारह दिनों में अपना वर्क परमिट अप्रूव करवाया खैर वो हमसे थ्रू नहीं करवाया उसने एक एक सस्ता सा लॉयर मिल गया था उसको उसके थ्रू अप्रूव करवाया अब जो आ, ये, ये चीज क्यों कहना है इतना रिलैक्सेशन वीजे में क्यों दे रहा है और वर्क परमिट क्यों दे रहा है इसकी वजह यह है कि उनको एक इमरजेंसी नाफिज की है उन्होंने जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं सी की तरफ से उनको ऑर्डर्स आए कि जी आप लोग बुलाएं हमें यहाँ पे बंदे चाहिए वर्कर्स चाहिए 60 कंपनीज बंद हो रही हैं जिसके वजह से लोग नहीं है वहां पे लोग क्यों नहीं थे जो वीजा पॉलिसीज थी जो कोविड से पहले थोड़ी स्ट्रिक्ट थी कोविड के बाद बात नॉर्मल किया गया फिर स्ट्रिक्ट किया गया अब एक एक नया एक दौर शुरू किया गया कहने के, के इमिग्रेशन की तरफ से जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने अब एचआर क्लॉज खत्म कर दिया सेक्शन 179 जो ये रिकमेंड कहता है कि आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे ये खत्म कर दिया अप्रूवल जो है वो टेन डेज में कर दिया गया है ये कर रहे हैं कि वो लोग आए और अप्लाई करें अब यहाँ कर, कर सकते हैं उसके लिए तरीके कार मैं काफी वीडियो बना चुका हूं उससे तरीके नंबर वन ये कि पहले अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो हम ऑलरेडी अप्लाई करवा रहे हैं जिसमें हम सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं कर सकते मैंने इस वक्त की थी सक्सेस स्टोरी आज तक मैं भगत रहा हूँ नोटिस को भगत रहा हूँ जैसा आपको खुश करने के लिए मैं आपको सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं कर सकता खास वर्क परमिट की हमारे अला बड़ा कर पिछले बार फिनलैंड का लगा है आयरलैंड का लगा है न्यूजीलैंड का लगा है ऑस्ट्रेलिया का लगा है ये सब वर्क परमिट लगा और ये ये वो ममालिक बंदे चाहिए एक बात याद की या, याद रखिएगा एक पॉइंट होता है कि वो मुल्क अपने जो लेबर मार्केट को सपोर्ट नहीं करता आप वहां पर वीजा अप्लाई करते हैं वर्क परमिट का आपको नहीं मिलता एक मुल्क हुआ है जो खुद गवर्नमेंट कहती है कि हमें लोग चाहिए हमें वर्कर्स चाहिए हमें हाई स्किल्ड लोग चाहिए नीदरलैंड ने कहा है फिनलैंड ने बोला है न्यूजीलैंड ने बोला है ऑस्ट्रेलिया ने बोला है बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट भी खत्म कर दिए अब गिरा दिए हैं है। कैनेडा ने बोला है बल्कि एक और गुड न्यूज दू कनेडा ने इमिग्रेशन के अंदर जो आयल्स की रिक्वायरमेंट थी उसके साथ पीटीए भी अब पीटीई भी जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये नेक्सेशन दुनिया दे रही है प्रॉब्लम कहां पे है

हम जितनी हम हाइप हाइप क्रिएट कर दी गई है जब आप मैं आजकल इतना परेशान हूँ इससे एक्सप्लेन करूँ मैं आम अल्फाज में से हम अपने जो उससे कामयाबी दिखा कर हम परेशान हैं क्योंकि इदारे की तरफ से कुछ हो रहा है कुछ लोग के जो है कुछ हमारे जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं मैं आप समझ किसकी बात कर रहा हूँ जब वो नायल हमारा क्लाइंट जाता है आप कहाँ से विजय लगा नायल से लगवाया जैसे साहब लगवाया और भी साहब बड़े विजय लग रहे हैं आपके इश्यूज इस तरह के इस मुल्क के अंदर सच की कदर ना हर जगह नहीं है इस मुल्क के अंदर जो बंदा जो बंदा थोड़ा ग्रो कर रहा होता है वो लोग माफिया बैठे खान साहब के ना माफिया वाकई माफिया बैठा होता है लिहाजा इसलिए मैंने कहा था ना हम सक्सेस स्टोरीज अब शेयर नहीं करेंगे वो किसी मुल्क वो हम शेयर नहीं करेंगे मेरा पॉइंट कहने का ये पॉइंट कहने का आप लोगों को ये गाय जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे रिस्क आंखें बंद करके नहीं आपने देखना है पहले कि मैं क्वालिफाई किसमें करता हूँ मेरी डिग्री कौन सी है मेरी स्किल कौन सी है समझ भी है कि नहीं जो ये बंदा बात कर रहा है क्या रेलीवेंट टू जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि नहीं ये आपने देखना है और कामयाबी तो ना मेरे हाथ में नहीं है लिहाजा मेरा आज आपको समझाने का मकसद ये है कि जो लोग आ, बैठे हुए हैं पाँच पाँच सालों से यूट्यूब मुझे काफी लोगों से मिलवा लिया जो मेरे स्ट्रगल के डेज में, में मेरे पास आते थे वो वे छोटा सा ऑफिस देख के कहते थे यार ये अप्लाई करेगा आज वो लोग आते हैं मेरे पास और मुझे खुद बताते हैं कि आप उस टाइम आप कितनी टेबल थी हम आए थे तो आपने गाइड किया लिहाजा तो रिस्क रिस्क तो नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते वर्क परमिट अगर तो आपके कोई दोस्त यार कैनेडा में है और वो जेनुअन हेल्प कर जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो कैनेडा का वर्क परमिट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अब जो जो आपकी हेल्प करेगा वो चार्ज करेगा चार्ज करते भी नॉर्मल से अमाउंट ले, ले बट ये कंफर्म सबसे बड़ा ये है, है, है खुद कॉन्टेक्ट करना आपने उसकी चेक करें गूगल पे है कि नहीं आप ईमेल मेल करें जो आपने सिलेक्ट किया मुझे एचआर तो के अंदर जब आपकी सिलेक्शन होगी तो लेटर से निकलेगा ना अगर बोले सिलेक्शन नहीं हुई आपकी इट मीन आपका फेक लेटर और दूसरी बात कुछ डॉक्यूमेंट खुद बता रहे होते हैं वो फेक है उनके टाइपिंग का स्टाइल उनके जो ग्रामर है वो स्टाइल लेटर हेड का बता रहा है फेक है बीस चेक करता हूं अनफॉर्चुनेटली मुझे फेक करना पड़ता है जैनुअन चीज वही है जो आप खुद अप्लाई करते हैं या जैन कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है वो अप्लाई करता है, है वो प्रूफ दिखाता है आपको कि तो देखें मैंने ये आपकी सीवी थी ये अकॉर्डिंगली मैंने अप्लाई किया अब आगे सिलेक्शन उनकी उनकी मर्जी है आप गूगल करें जहां जहां उसने अप्लाई किया आप गूगल करें क्या उसने वाकई अप्लाई किया कि नहीं हम तो, हमें तो है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। हमें स्टाफ टीम है हमारी, हम तो अप्लाई करते हैं हम तीन सीवी बनाते हैं होती है, दो हमारी मर्जी की होती है हम देखें दे किस सिटी में इसकी डिमांड ज्यादा है हम वहां अप्लाई करते हैं सिटी सी से याद आया कि इंडियन इमिग्रेशन ने इस दफा जो डेली वेजेस है उसको बढ़ा दिया पर आवर पांच पांच डॉलर सात सात डॉलर भी बढ़ा दिया गया आ, बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देखें जी अलबर्टा में, 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 23, 23 में, में ट्वेंटी है वो है जी नॉर्थ वेस्ट थर्टी सेवन डॉलर है उसके बाद आप आ जाए अलबर्टा ट्वेंटी है Guys, इमिग्रेशन ने दरवाजे खोले हैं आप लोगों के लिए मगर इसका ये मतलब भागना है आंखें बंद करके नहीं इसका मतलब ये है, कि ठंडा पानी पिए पहले बैठ के सोचे कि मैं किसके पास जाऊं किस से अप्लाई क्लब और भी लोग हैं मैं नहीं कहता मई बहुत अच्छा हूँ बट ये बता दू मैं चैलेंज करता हूँ अल्लाह लोग सब अल्लाह करम है हम जब से अच्छे हैं क्यों हम प्रूफ देते हैं चीजों लोगों को हम दोनों बार काम नहीं करते जो करते हैं प्रूफ देते हैं सर ये काम किया ये प्रूफ करें आप सेटिस्फाई हैं चैलेंज करते हैं जहां मजी जाकर चैलेंज करें हमें ये पॉइंट है अब क्या होगा लोग क्या जब वीडियो के बाद क्या हो लोग अप्लाई किया दो साल हो गए भाई सिलेक्शन जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी आप नहीं जा सकते वर्क परमिट इज वे डिफरेंट फ्रॉम वीजा वर्क परमिट में सिलेक्शन कंपनी करेगी लेटर देगी ऑफर आपको एग्रीमेंट देगी फिर वर्क परमिट की फाइल रेडी करेंगे वीजा में क्या होता है हम फाइल रेडी करते हैं एम्बेसी इमिग्रेशन डिसाइड करती है मेरा मशवरा यह है कि यह टाइम तो अच्छा है अप्लाई करने का बट अप्लाई करने के साथ ये माइंड में बिठा सिलेक्शन ना समीर कर सकता है ना मेरी कंपनी कर सकती है ना मेरी टीम कर सकती है सिलेक्शन सिर्फ उन कंपनीज में होगी जो जहां पे आपका अप्लाई हुआ हुआ है मेरी तो दुआ है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ उनको भी कामयाबीता फरमाए जो करना चाहता है सब कामयाबी फरमाए जो खुद से अप्लाई किया वो को भी कामयाबी फरमाए और जो कामयाब हो चुके हैं उनको अल्लाह पाक अपने फैमिली के लिए रोजगार मुहैया करने के तोफी अदा फरमाए अगर इसके लाइन कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज नंबर पे नंबर कॉन्टेक्ट करें तब तक के लिए अल्लाह